क्या हाल हो गया यार सिलीगुड़ी का, जहाँ पे जाने में 10 मिनट लगता था अब 1-1 घंटा लग रहा है। भाई 75,000 में बुलेट थंडरबर्ड देखने के लिए मिल रहा है आपको, अगर आपको लेना है तो फाइनेंस करवा करके थोड़ा सा मोटिवेट करो यार मेरे को। मैं सच्ची बोला हूँ, डिप्रेशन में ना चला जाऊँ मैं। ओ दीदी राइडर लोग ये सब यूज करना ही चाहिए, लगे बंदा राइड करके फट टूट गया था। अरे बाप, पूरा रोड पूरा जाम हो गया है भैया, सिलीगुड़ी का ट्रैफिक से भैया। अरे जगह दो ना यार, वहाँ पे देखो, वहाँ पे सामने वाला को हेलमेट वेलमेट सब कुछ है, उसको पुलिस पकड़ा है। सिलीगुड़ी का जो ट्रैफिक है ना एकदम हेल हो गया है, मतलब इतना भयंकर ट्रैफिक लग रहा है सिलीगुड़ी में। इमरजेंसी में कहीं जाना हो ना तो थोड़े समझ लो जाते रह जाएगा इंसान लोग। यार यहाँ से मैं 15-20 मिनट से बस यहीं पे फंसा हूँ, इतना गंदा वाला यहाँ पे ट्रैफिक है, मतलब इरिटेट सा हो गया हूँ सिलीगुड़ी का ट्रैफिक से मैं। अगर आपको हिल का रोड, वेनस मोड़ या फिर ये पानी टंकी मोड़, अगर ये सब जगह जाना हो ना तो परेशान हो जाओगे, लिटरली बता रहा हूँ, इतना परेशान हो जाओगे ना। जो बाइक चला रहे, जो सिलीगुड़ी से ये वीडियो देख रहे हैं ना, अगर आप लोग इस साइड कहीं आते हो तो बताओ क्या सच बोल रहा हूँ कि नहीं। कितना गली गली से जाऊँ यार मैं, कितना गली गली से जाऊँ। आजकल तो गली में भी सबको पता हो गया कि गली गली से जाने से भी ट्रैफिक होता है। कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा, अरे जगह दो ना यार। सिग्नल लगाने से थोड़ी ना होता है, ट्रैफिक नियम तो सही होना चाहिए। देखो बिना हेलमेट का चल रहा है, इसको पुलिस नहीं पकड़ेगा। लेकिन वहाँ पर देखो, वहाँ पर सामने वाला को हेलमेट वेलमेट सब कुछ है, तो उसको पुलिस पकड़ा है। हमें बगल में देखो बिना हेलमेट पकड़ा है। ऑलराइट, अभी अपना काम जो है वो हो चुका है, एक बार देख लेता हूँ ये। एक्चुअली मेरे को ना सील खुला हुआ डब्बा मिला था, थोड़ा सा डाउट भी है मेरे को सामान कहीं ख़राब ना निकल जाए, इसलिए वीडियो भी बना ले रहा हूँ। तो यहाँ से अभी लिया हूँ, सील खुला हुआ डब्बा ही मिला है, बाकी ये तो एकदम नया ही दिख रहा है। तो ये जो है इधर का मीटर है, ये अब दिख रहा है ना, ये मीटर इधर का मीटर है। तो ये अपना अभी सब कुछ अपडेट वगैरह सारा कुछ होने लगेगा। तो ये मीटर का दाम है 2351 रुपीज़, लिया है, बाकी मोटा खर्चा हो गया। अभी चलो इसको लेके चलते हैं, अभी 2-3 काम है, वो काम सब ख़त्म करूँगा, शाम को जाऊँगा बर्दवान रोड का शोरूम में, वहीं पे इसको लगवा लूँगा, क्योंकि सर्विस वहीं से करवाया था तो वहीं पे, नहीं तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे अगर करवाऊँगा ना तो इसका भैया पैसा देना पड़ जाएगा हमको। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो बाइक इतना कम से कम कीमत में आपको बाइक वगैरह जो है देखने को मिल रहा है। 75,000 में बुलेट थंडरबर्ड देखने के लिए मिल रहा है आपको, अगर आपको लेना है तो फाइनेंस करवा सकते हैं, 20-25,000 दीजिए और फाइनेंस करवा लीजिए। 65,000 में NS वगैरह देखने के लिए जो है यहाँ पे आपको मिल रहा है। बाकी एकदम यहाँ का शोरूम का आपको पूरा डिटेल जानना है तो आप मेरा मेन चैनल पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अभी मेरा बाइक वहाँ है तो चलता हूँ मैं सीधा, अभी 2-3 काम करवाना है बाइक में भी। ठीक है जाता भाई, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय। मेरा बाइक जो है ना दूर से ही दिख जाता है कि अपना बाइक यहाँ पे लगा हुआ है, क्या लग रहा है ना, आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है। यहाँ पे भगाने का मजा ही आ रहा है, अभी सिलीगुड़ी में नहीं भगाने पाएगा तो फिर टेंशन ही है। ओफो, मजा आ गया इस एरिया में। लेकिन सेकंड हैंड बाइक का दुकान बहुत है, लेकिन आज मैं जो वीडियो किया ना भाई, वहाँ का प्राइस सुनकर तो मेरा दिमाग हिल गया, मतलब इतना कम कीमत है भाई। बाइक को जब से सर्विस करवाया हूँ ना भाई, क्या ही भाग रहा है, मतलब इसको चलाने में ना मेरे को बहुत मजा आ रहा है, लिटरली बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। एक बार के लिए सोचा भी था इसको सेल आउट करूंगा, लेकिन अब सोच रहा बुड़बक था मैं, गधा आदमी इसको बेचेगा भाई। इतना सॉलिड मस्त बाइक हो गया है मेरा कि इसको अभी लॉन्ग टूर भगाने का बहुत ज़्यादा इच्छा कर रहा है, दिल से बहुत ज़्यादा मन कर रहा है भगाऊँ इसको, लेके चलूँ राइट पे, फिट जग खोल के सीधी बात कर न करूँ तोल मोल कर टुनाइट, ऐसा कुछ हो रहा है सीन अंदर में, बहुत ज़्यादा वाइब क्रिएट हो रहा है। तो अभी आप लोगों ने मेरा डेली ब्लॉगिंग को थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट कीजिए भाई, इतना मेहनत कर रहा हूँ, लास्ट का 1-2 वीडियो तो देख रहा हूँ व्यूज़ ही नहीं आ रहा है, मेरा डीमोटिवेट हो रहा हूँ यार, सच्ची बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहा है, इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं डेली एक वीडियो करने का भाई, बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट कहाँ से निकालूँ समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने का सोच के दिमाग लगा के रेस्टलेस सो के, बिना सो के आँखों में डार्क सर्कल हो गया, इतना कम सो रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो में व्यूज़ व्यूज़ आए, थोड़ा सा शेयर वेयर करो, लाइक वाइक करो, थोड़ा कमेंट वमेंट करके थोड़ा सा मोटिवेट करो यार मेरे को। मैं सच्ची बोला हूँ, डिप्रेशन में ना चला जाऊँ मैं। ओ दीदी
सबसे ज्यादा जो है ना गंदा ट्रैफिक है यहाँ का, मतलब एक किलोमीटर से भाई सेवक मोड़ से पहले से पूरा ट्रैफिक हो गया, पूरा हिल कट रोड, मतलब ये क्या बोलते हैं हावड़ा पेट्रोल पंप पूरा ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है। क्या हाल हो गया यार सिलीगुड़ी का, जहाँ पे जाने में 10 मिनट लगता था अब 1-1 घंटा लग रहा है। ये रोड पूरा खाली है, ये रोड पूरा जाम है, पूरा लंबा दूर तक जाम है, पीछे में भी 1 किलोमीटर जैसे जाम। यहाँ पर तो बैठा बैठा लग रहा है वीडियो एडिट हो जाएगा भाई, 15 मिनट से यहीं पे खड़ा का कहीं खड़ा है। ये भैया का तो कस्टमर भी चला गया, काय भेज दिए तो क्या यहाँ से जंक्शन पैदल ही जाएगा। फाइनली 15-20 मिनट बाद जाके ये गाड़ी जो है अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चाचा देख रहे हो कितना लंबा भी ऐसा ये ट्रैफिक है, मतलब क्या बोलूं। आगे से घुसा के दिखाता हूँ, मेरे को एक्चुअली यहीं से जाना था। ये देखो ट्रैफिक इतना गंदा, मैं यहाँ पे यहीं पे 15-20 मिनट तक खड़ा रह गया। बाप रे बाप, पूरा रोड पूरा जाम हो गया है भैया, डिलीवरी का ट्रैफिक से भैया। दिन पर दिन गाड़ियां बढ़ते जा रहे हैं, रोड छोटा होते जा रहा है। अभी एक्चुअली आगे में हाईवे का भी काम चल रहा है, तो उसके वजह से और भी ऐसा हो रहा है। जब वो ब्रिज बन जाएगा ना हाईवे वाला, तब सही होगा। वहाँ पे देखो कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई बड़ा आदमी होगा एम्बुलेंस रहने से तो भाई वो बेचारा कितना प्रॉब्लम होगा उस लोग को, कहीं जल्दी जाने नहीं पाएगा। बाप रे बाप, आज का जो ट्रैफिक है ना लगता है घर तक मेरे को मिलने वाला है, इतना गंदा हो गया है। बाप रे, गलियों में भी ट्रैफिक इतना ध्यानदार, खतरनाक ट्रैफिक लग रहा है कि क्या बोलूं। आज मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ ट्रैफिक लाइट, साला 15-20 मिनट का काम मेरे को 2-2 घंटा लग रहा है करने में। कोई है रिलेटेड वाला मेरा जैसा कोई परेशान हुआ है कोई, आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप लोगों को क्या परेशानी होता है नहीं होता है। अगर आप सिलीगुड़ी से देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना राय जरूर दें कि इसका ट्रैफिक का रिलेटेड में क्या करना चाहिए। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया है बहुत ज्यादा। द नेक्स्ट डे, देख रहे हो इस टाइप का कुछ जो है अपडेट होता है। अरे भाई फोकस कर ले, ये देख लो इस टाइप का कुछ अपडेट हो रहा है, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है उसके लिए आई एम सॉरी। अभी जब मैं यहाँ पर अगर कुछ भी छुआ तो ECU सब उड़ जाएगा और फिर 12,000 का चुना लगेगा, तो मेरे को कुछ छूना नहीं है, अपना ये काम करेगा, वो अपना काम हो रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। एक्चुअली सोचा था मेरा बाइक जो है ना 38,000-39,000 किलोमीटर चला होगा, यहाँ पे दिखा रहा है 44,602 किलोमीटर चल चुका है, तो लगता है 50,000 किलोमीटर का एक ऑनरशिप रिव्यू बनाना पड़ेगा। फाइनली गाइस अपना जो अपडेट है वो पूरा कंप्लीट हो गया, गाड़ी चल चुका है 44,600 किलोमीटर, यहाँ पे अपना गियर इंडिकेटर भी आ गया, टाइम वगैरह सारा कुछ सेट हो गया है, तो फाइनली काम हो गया। अब चलते हैं यहाँ से, फाइनली अपना जो है काम सारा कुछ हो गया है। अभी एक तो जींस सोच रहा हूँ लेने के लिए, क्योंकि 2-3 ही जींस है मेरे पास अच्छा अच्छा जो पहन के मैं वीडियो वगैरह बना लूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ अजीत भाई के हमारे दुकान पे। कैसे हो भाई? एकदम मस्त, एकदम बढ़िया, हम भी एकदम बढ़िया है भाई। एक तो जींस दिखा देना हमको, इसका ना दुकान का नाम भी खतरनाक है, फैशन माफिया, और स्टॉक भी काफी अच्छा अच्छा भाई रखता है। भाई ये कितने का है? ये बस 750 में आ जाएगा। हमारे लिए क्या रेट? अरे आपके लिए तो हो जाएगा एकदम कम कर देना। हाँ भाई पैसा नहीं है अभी, ठीक है। और ये वाला 2 सोच रहा है ले लेता है इसी में से, ये भी ठीक लग रहा है, मस्त है क्वालिटी एकदम, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, ये हम पहन सकते हैं रील्स बनाने का कभी जोश हुआ ना तो पहन सकता है। लेकिन हम तू मेरे को बोलेगा ना ऐसे नॉर्मली 500 रुपया ले लीजिए ये पहनिए, उल्टा मेरे को पैसा देगा तब भी नहीं पहनेगा हम। राइडर लोग ये सब यूज करना ही चाहिए, बंदा राइड करके फट टूट गया था। आपको भी अगर लेना है तो अजीत भाई से हमारा कांटेक्ट कर लो, यहाँ पे अच्छा अच्छा डिजाइन विजाइन है। तो अभी हम 2 जींस लेते हैं भाई, इसको पैक कर दे दोनों को, और शर्ट वर्ट तो अभी नहीं लेना है।
तो चलते हैं यहाँ से भाई, काम वाम खत्म हो गया, दो जींस ले लिया, पैक करवाता हूँ। अरे भिपंगिया क्यों कर रहे, क्यों कर रहे? हाँ तेरा ही है चिकन, चिकन फेस का नजारा है ये रहा, कल मैंने ही लाया था ना। खोल गेट, खोल जा, मम्मी को बुला के ला। गया बुलाने। देख रहा कितना शरारती है ये। तो गाइस मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइट साइड, दिस इज ब्लॉगी ब्लॉग साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय 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 बाय।